रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? आई होप सब लोग अच्छे से होंगे और अच्छे अच्छे कामों में बिजी होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि विंटर की सीडलिंग जो है ना, इस मरतबा कुछ वेजिटेबल्स ऐसी थी जिनकी मैं नहीं कर पाई, लेकिन अभी भी आपके पास चांस है कि अभी भी आप जो है ना सीडलिंग जो है ना फ्रेंड्स कर सकते हैं। कुछ थोड़ी सी मसरूफियत की वजह से सीडलिंग जो है वो मेरी लेट हो गई, लेकिन मैंने पालक जो है वो ग्रो की है, मैंने इसके अलावा जो है गार्लिक ग्रो किया है, मैंने इसके अलावा जो मूंगरे की जो है ना वो भी सीडलिंग की हुई है और वक्तन फ़क्तन आपके साथ वीडियो शेयर की थी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं जो आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ जी, मैं शेयर करने जा रही हूँ टर्निप जी, शलजम लगाने का तरीका। और बहुत ही डिफरेंट कि आप प्लांटर के अंदर जो है ना, पॉट्स के अंदर जो है शलजम किस तरीके से ग्रो कर सकते हैं, तो बहुत ही ईजी मेथड है। फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने क्या करना है कि हम इसकी जो पनीरी है वो तैयार करेंगे और उसके लिए जो सीडलिंग करनी है वो, उसके लिए जो मिट्टी है, आप इसके अंदर जो है ना काउडंग कंपोस्ट जो है ना वो मिक्स किया हुआ है। ये मिट्टी मेरी बहुत ही ज़बरदस्त है और बहुत ज़रखेज़ मिट्टी है मेरी ये वाली जो है, क्योंकि इसके अंदर किचन वेस्ट का भी शामिल मैं करती रहती हूँ और इसके अलावा जो है फ्रेंड्स इसके अंदर जो है ना काउडंग का भी इस्तेमाल किया हुआ है। तो फ्रेंड्स, बहुत ज़बरदस्त मिट्टी है। मिट्टी आपकी पोरस होनी चाहिए, भुरभुरी सी होनी चाहिए, ऐसी मिट्टी नहीं होनी चाहिए कि जिसमें जो है ना सीड्स को ग्रो करने में, जर्मिनेट करने में, जर्मिनेशन उसकी जो है ना वो मुश्किल हो जाए। तो फ्रेंड्स, यहाँ मेरे पास हैं ये टर्निप के जो सीड्स हैं, यहाँ मैंने रखे हुए हैं और ये अब मैं इनकी सीडलिंग जो है ना वो मैं करूँगी। और जब जैसे ही इनकी स्प्राउटिंग शुरू होगी, थोड़े से छोटे छोटे इसके प्लांट्स तैयार हो जाएंगे, तो फिर हम इनको शिफ्ट करेंगे दूसरे बड़े पॉट्स के अंदर। तो फ्रेंड्स, अभी ये नवंबर का तकरीबन आज डेट जो है ना, आई थिंक आज 16 डेट हो चुकी है और अभी भी आपके पास टाइम है कि अभी भी जो है ना आप इसकी जो है ना सीडलिंग जो है फ्रेंड्स वो कर सकते हैं। करने से पहले हमेशा फ्रेंड्स आपको मिट्टी जो है ना उसको तकरीबन 2-3 घंटे पहले जो है ना उसको आप पानी लगा लें, ताकि अच्छी तरीके से मिट्टी के अंदर जो है ना मॉइस्चर जो है ना फ्रेंड्स वो बन जाए। तो अब ये फ्रेंड्स मेरे पास बहुत ही छोटे छोटे से सीड्स हैं, अभी भी आपके पास चांस है क्योंकि अभी भी बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं है, अभी भी फ़ैन चल रहे हैं, अभी भी बारीक कपड़े जो है ना वो पहने जा रहे हैं, तो इसलिए आप अभी भी इसकी सीडलिंग जो है ना फ्रेंड्स कर सकते हैं। टर्निप की, शलजम की आप सीडलिंग कर सकते हैं, और भी आप जो सीडलिंग करना चाहते हैं प्लांट्स की तो कर सकते हैं। और यहाँ जो है फ्रेंड्स इसके ऊपर जो है ना मैं स्प्रिंकल कर दूंगी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से हमने रफली इसके ऊपर जो है ना वो स्प्रिंकल कर देना है, और जैसे ही इनकी स्प्राउटिंग शुरू होगी तो फिर हम इसको दूसरे पॉट्स के अंदर जो है ना वो शिफ्ट करेंगे। इसी तरीके से फ्रेंड्स हम यहाँ भी जो है ना कर लेते हैं, और एक ये तरीका होता है और एक तरीका जो है फ्रेंड्स आपके साथ मैं ये शेयर करूँगी कि आप इसका जो है इस तरीके से लाइनें लगा के भी आप इस ऐसे दायरा बना लें एक, और इसके अंदर भी जो सीड्स जो है ना फ्रेंड्स आप इसके अंदर जो है ना वो फेंक सकती हैं। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं और दूसरे तरीके से रफली आप जो है ना स्प्रिंकल भी कर सकते हैं। इस तरीके से फ्रेंड्स आपने क्या करना है कि आपने जो है ना इसके अंदर जो है ना अब सीड्स जो है ना वो हम फेंकेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से इस ये जो हमने सर्कल सा एक बनाया है यहाँ, इसके अंदर जो है ना हम इस तरीके से भी इसको, और कुछ जो है ना यहाँ सेंटर में जो है ना फ्रेंड्स हम थोड़े से सीड्स जो है ना कर लेंगे। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं और ऊपर से फ्रेंड्स इसको कवर कर देंगे। ये जो है ये बहुत ही बेहतरीन तरीका होता है इसकी जो सील, ये सीडलिंग करने का फ्रेंड्स, ये होता है कि सीड्स जो है थोड़े से नीचे जो है ना वो, ये यहाँ भी मैंने एक सर्कल सा बनाया है और इस तरीके से थोड़ा सा गहरा, किसी भी स्पून या किसी भी आप जो है वो पेंसिल वगैरह ले ले, अगर आपके पास कोई टूल नहीं है तो इस तरीके से। अब हमने क्या करना है कि इसके ऊपर जो है ना मिट्टी जो है ना वो फ्रेंड्स डाल देंगे, हल्की हल्की सी, हल्के हाथों से ऊपर जो है ना इस तरीके से हमने इसको हमने कवर करना है, मिट्टी जो है डाल देंगे। और मिट्टी डालने के बाद जो है ना फिर टाइम आएगा फ्रेंड्स इसकी जो है ना इसको वाटरिंग करेंगे, लेकिन बहुत ही हल्का सा इसके ऊपर आपने शावर करना है पानी का, बहुत ज़्यादा किसी भी पाइप या गलास या किसी भी, बहुत ज़्यादा इस तरीके से पानी नहीं देना कि आपके जो सीड्स हैं ना फ्रेंड्स वो अपनी जगह से हिल जाएं। तो अब इस तरीके से करने के बाद हम इस मिट्टी से स्प्रिंकल करने के बाद हल्का सा, हल्के हल्के हाथों से इस तरीके से थोड़ा सा इसको यूँ करेंगे, और जो है ना इसको भी हम थोड़ा सा टैप करेंगे ऊपर से, और ये है इस तरीके से, ताकि सीड जो है ना थोड़े से नीचे
वो दब जाएं। इस तरीके से करने के बाद जो है ना फ्रेंड्स, अब हम इसके ऊपर जो है ना वो शावर करेंगे पानी का। तो मूंगरे की जो मैंने सीडलिंग की थी यहाँ लान के अंदर भी फ्रेंड्स, आपको ये सीड्स जो है ना वो कुछ गिर गए थे और खुद ब खुद ही जो है ना वो ग्रो हो गए हैं। तो अब हम इसको करते हैं शावर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये शावर भी पानी का जो है ना वो हो रहा है। और अगर आप इसको कवर करना चाहें, अगर आप जल्द रिजल्ट इसका लेना चाहते हैं कि जल्द अज जल्द इसकी स्प्राउटिंग शुरू हो जाए, तो फिर आप इसके ऊपर जो फ्रेंड्स कोई शापर वगैरह जो है ना वो आप चढ़ा दें, पॉलीथीन का जो होता है बैग वगैरह कोई, ताकि इससे ये है कि इसके अंदर जो है ना हीट थोड़ी सी वो जनरेट हो जाएगी। और हीट जनरेट होने से क्या होगा कि आपके जो प्लांट्स हैं ना, अगर आपको जल्दी है तो उसकी फिर स्प्राउटिंग जो है फ्रेंड्स वो जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये छोटी सी वीडियो आप लोगों के साथ मैंने शेयर की है कि किस तरीके से आप नवंबर के महीने में भी आप जो है ना सीडलिंग फ्रेंड्स कर सकते हैं। लास्ट ईयर भी मैंने बहुत से टर्निप और रेडिश जो है, रेड रेडिश जो है वो ग्रो की थी, और भी काफ़ी ज़्यादा जो पालक थी और मूंगरे थे। इस तरीके से जो है ना ये अभी इस मरतबा तो कुछ जो सीडलिंग है फ्रेंड्स मैं नहीं कर सकी, कुछ जो वेजिटेबल्स हैं उनकी, लेकिन अभी भी कोशिश है कि चलें जैसे जैसे मौका मिल रहा है। थोड़ा सा होगा तो हमें मुश्किल का ही सामना, बट ये है कि इंशाल्लाह सपोर्टिंग हमारी जो है ना वो स्टार्ट हो जाएगी। तो ये थी आज की छोटी सी वीडियो, आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगेगी। फ्रेंड्स अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें कि आपको वीडियोज़ कैसी लग रही हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।